नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आप देख रहे हैं कैमरा इन द पॉकेट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन क्रिएटिव फोटोग्राफी के बारे में बताऊंगा, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस फोटोग्राफी के लिए आपको दो स्केच कलर चाहिए, जो पेंसिल वाले कलर आते हैं वो वाले, वुडन वाले। उसके बाद में उसी कलर के आपको दो पेपर चार्ट लेने हैं। उसके बाद में आपको सिंपली उस जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं उसी हिसाब से अरेंज करते हुए आपको टॉप एंगल से फोटो को क्लिक करना है। दोस्तों फोटो क्लिक करने के बाद में आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में उसको ओपन करना है और थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट फोटोग्राफी के लिए किंडर जॉय में मिलने वाले इस तरह के कॉम्ब आते हैं, जो गर्ल्स वाले किंडर जॉय आते हैं उसमें मिलते हैं ये टॉय। और इसमें मैं इस फिश के साथ में कुछ क्रिएटिव फोटोग्राफी करूंगा, तो आपको सिंपली ब्लैक चार्ट के ऊपर इस फिश को रखते हुए पहले फोटो को टॉप एंगल से क्लिक करना है और उसके बाद में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इसको ओपन करना है। दोस्तों ओपन करने के बाद में आगे की प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, आप फॉलो कीजिए और उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों बहुत ही अमेजिंग रहेगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फोटोग्राफी के लिए हमें ईयरफोन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही एक ब्लैक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आप अपने ईयरफोन को कुछ इस तरह से अरेंज करते हुए आपको टॉप एंगल से फोटो को क्लिक करना है। दोस्तों फोटो को क्लिक करने के बाद में आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में उसको ओपन करना है और उसके बाद में आपको स्टिकर में जाना है। स्टिकर में जाके उसके बाद में आपको वहाँ पे सर्च करना है हार्ट बीट को ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से उसको यहाँ पे सेट करना है और बाकी के पार्ट को आपको इरेज कर देना है। उसके बाद में दोबारा स्टिकर में जाना है और वहीं पे आपको हार्ट बीट का दूसरा वाला जो स्टिकर है उसको चूज करना है और उसको आपको बीच में इसको स्टिकर को सेट कर देना है। दोस्तों इसको सेट करने के बाद में आपको एक नई लेयर क्रिएट करनी है और लेयर क्रिएट करने के बाद में आपको वहाँ पे एक म्यूजिक प्लेयर टाइप करना है और म्यूजिक प्लेयर का स्टिकर आपको सिंपली ऊपर में वहाँ पे ऐड कर देना है। दोस्तों फोटो को सेव करने के बाद में आपको जाना स्नैपसीड में और वहाँ पे जाके थोड़ा सा कलर करेक्शन करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। It's not a game, it's a rich game.